कॉफी पीते पीते हो गई ऐसी गलती, पल भर में ही टीम से हो गई छुट्टी। हार्दिक पांड्या, केएल राहुल दो ऐसे क्रिकेटर्स जो फील्ड पर आकर दूसरी टीम के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन अब उल्टा इन दोनों के ही छक्के छूट गए हैं। फिल्म मेकर करण जौहर के चैट शो में दोनों ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें की थी, जिसके बाद न सिर्फ उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल किया था, बल्कि BCCI ने इन दोनों को थोड़े समय के लिए बैन कर दिया। और अब इस पूरे मामले में क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स, टीवी स्टार्स, हर कोई अपना रिएक्शन दे रहा है। वहीं देखिए आखिर बॉलीवुड एक्ट्रेस यानी गुप्ता का इस पर क्या कहना है। जब हैरी मेट सेजल, बार बार देखो, जगह जासू जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस यानी गुप्ता ने हार्दिक और केएल राहुल को लेकर कहा कि आज इन दोनों की निंदा हो रही है, शायद लास्ट ईयर होता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती। ज्यादातर लड़के स्कोरिंग ही समझते हैं महिलाओं को, वो इसे गोल की तरह ही देखते हैं। पुरुष ही नहीं, कई महिलाएं भी पुरुषों के बारे में ऐसा ही सोचती हैं। ये ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चों को ये बात समझाई जाए कि औरतें सिर्फ सेक्स के लिए वस्तु नहीं हैं, वो इंसान हैं, ग्राउंड लेवल पर होना ज़रूरी है। इसके अलावा सयानी का कहना है कि ये कूल नहीं है कि आप जेंडर और सेक्स को लेकर कोई भी रिमार्क करें। आप पावर इक्वेशन में जब अधिक बड़ी जगह पर हैं तो आपको और अधिक सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। कैसे आप बर्ताव करते हैं, कैसे कहते हैं, ये कई लोगों के लिए एक लर्निंग होगी कि आप जो भी कहते हैं उस पर ध्यान दें। बता दें इस पूरे मामले में विराट कोहली, श्री संत, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह के अलावा कई स्टार इस विवाद पर अपनी राय दे चुके हैं और अब देखना ये होगा कि ये विवाद कब तक ठंडा पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, सयानी ने जो भी पांड्या और केएल राहुल के लिए बोला वो सही है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।